अंबेडकर ने कुछ जाति के फेवर में ही संविधान लिखा है, ये बात किस हद तक सही है? आपके अंदर जो गलत फहमी है उसे दूर करने के लिए संविधान को पढ़िए, उसके बाद ही आपका शक बाहर निकल पाएगा। अपने घर में भगवत गीता, कुरान, बाइबल के साथ साथ संविधान के लिए भी जगह बनाओ। अंबेडकर ने कहा है, मनुष्य की श्रेष्ठता उसके कर्म पे आधारित है। श्रेष्ठता पर किसी एक का नहीं, सभी का अधिकार है। किसी का काम ही ये निर्धारित करेगा कि वो कहाँ रहेगा और कैसे रहेगा। हर रोज हर आधे घंटे में मीडिया वाले वास्तुशास्त्र और राशिफल के बारे में बताते हैं। पूरे दिन में अगर एक घंटा भी वो संविधान के बारे में लोगों को बताएं, तो ये इस देश की जनता के लिए बहुत बड़ी मदद साबित होगी। निंद करने वाला हर बार निंद करते रहता। हमारा तो महान लोकतांत्रिक कंट्री इन द वर्ल्ड, हमारा देश का संस्कृति सांप्रदायों का विदेशों में भी अनुसार कर रहे, तो इसके बारे में क्या बोलते आप? इस देश का हर एक इंसान किसी न किसी जाति का है, लेकिन इंसानियत किसी में नहीं है। इस देश के हर राज्य में जनता की सरकार है, फिर भी प्रजातंत्र को ढूंढना पड़ता है। इस देश के हर घर में एक स्त्री है, लेकिन उसकी रक्षा के लिए सोचना पड़ेगा। इस देश में 70 साल से स्वतंत्रता मौजूद है, फिर भी हर मानव के अधिकार को ढूंढना पड़ता है। इसीलिए अंबेडकर ने कहा है, ओ मेरे भारत देश के नागरिकों, तुम खुद को जाति या धर्म के आधार पर कभी आगे नहीं ले जा पाओगे। इसीलिए एक बार फिर कहता हूँ, तुम सब संविधान को पढ़ो। संविधानम शरणम गच्छामि।